एक अन्य मित्र लिखते हैं, आपने एक बार बताया था कि अनंत पद की यात्रा रिक्त होने की यात्रा है, लेकिन विचार है कि रिक्त होते ही नहीं, कोई ना कोई विचार मन में उठता ही रहता है। और वो वर्तमान में रहने ही नहीं देता, या तो भूत का या भविष्य का ताना बाना बनाने में लग जाता है। इन विचारों से कैसे उबरे, कृपया मार्गदर्शन करें। तुम एक विचार जगत में रह रहे हो, तुम्हारे चारों ओर जैसे हवा का एक वातावरण है, ऐसे ही विचार का वातावरण है। चारों ओर अनंत अनंत विचार प्रवाहित हो रहे हैं। समस्या विचारों के आने जाने की नहीं है, समस्या विचारों से तुम्हारे जुड़ जाने की है। विचारों से ऊपर उठने का एक ही उपाय है कि तुम उन्हें बहुत बहुत सजगता से अनुभव करो, देखो, तटस्थ होने का प्रयास करो, और फिर विचार तुम्हारे चारों ओर रह जाते हैं, तुम उनसे अलग हो जाते हो। विचार समाप्त नहीं होते, वो बने रहते हैं, लेकिन वो अब तुम्हारा हिस्सा नहीं होते। तुम चाहते हो तो उनका उपयोग कर लेते हो, नहीं चाहते हो तो वो जैसे हवाएं प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे ही तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर भी बाहर भी प्रवाहित होते रहते हैं। विचारों के प्रति ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम बहती हुई हवाओं को देखते हो, जैसे तुम उड़ते हुए बादलों को देखते हो, जैसे तुम बहती हुई नदियों को देखते हो। थोड़ा सा अलग होना, वो तुम्हारे अपने विचार हैं, इस भाव को अपने भीतर से गिराना। समस्या तब होती है जब तुम्हें ये लगने लगता है कि ये विचार तुम्हारे तब तादाद में जोड़ता है, विचार हैं इतना जानो। अब भूत और भविष्य के ताने बाने की जो बात है, वो महज एक आदत है। उस आदत को अगर कई बार सजगता के साथ देखा जाएगा और उस आदत से निकलने का प्रयास किया जाएगा, तो वो आदत टूट जाएगी। बचपन से ही जो वृत्तियां हमारे भीतर घर कर लेती हैं, उनमें से ही एक ये है कि निरंतर कुछ न कुछ अतीत के बारे में सोचते रहना और निरंतर कुछ न कुछ भविष्य के बारे में सोचते रहना। जबकि ना वो अतीत का चिंतन उपयोगी होता है, ना भविष्य का चिंतन उपयोगी होता है। इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय सजगता से लें, और पहले इस विचार के प्रति जागृत हो जाएं, अपने अंदर इस विचार को प्रवेश करने दें कि ये महज एक आदत है, इसकी उपयोगिता नहीं है। क्योंकि जब भविष्य के लिए उपयोगी कोई बात तुम्हें सोचनी होगी तो तुम सोच ही लोगे, अन्यथा बैठे बैठे भविष्य के बारे में ताने बाने बुनने का कोई उपयोग नहीं है। और जो तुम ताने बाने बुनते हो, जीवन सर्वथा उससे विपरीत जीते हो, क्योंकि हर क्षण नई परिस्थितियां बनती जाती हैं, फिर तुम्हें नए निर्णय लेने पड़ते हैं, तुम्हें नए चुनाव करने पड़ते हैं, और भविष्य के जो तुम्हारी काल्पनिक उड़ाने होती हैं वो अलग पड़ी रह जाती हैं। लेकिन आदत ऐसी होती है कि तुम फिर से नए कल्पनाएं करने लगते हो, नए ताने बाने करने लगते हो। वर्तमान में जीने की जो बात है, वही विचारों से ऊपर उठने की बात है। लेकिन वर्तमान में जीना ऐसा नहीं है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते। वर्तमान का क्षण एक समग्र क्षण होता है, वो एक कलेक्टिव मोमेंट है जिसमें अतीत और भविष्य सब शामिल होते हैं। वर्तमान का क्षण इंटेंस अवेयरनेस का मोमेंट है, गहन जागरूकता का क्षण। फिर इस क्षण से दूसरा क्षण निकलता है, फिर दूसरे क्षण से अगला क्षण निकलता है। तुम जब जीते हो, तुम हमेशा एक क्षण में ही जीते हो, तुम्हारे पास जीने के लिए कभी अगला क्षण नहीं होता।
जब तुम सोचते हो तो उसी क्षण में सोच रहे हो, और अगर तुम भविष्य की कल्पना भी कर रहे हो तो तुम उसी क्षण में कर रहे हो, और अगले क्षण भी तुम उसी क्षण में हो। वर्तमान से तुम कभी अलग ही नहीं होते। भविष्य और अतीत की कल्पनाएं इसीलिए व्यक्ति के भीतर उभरती हैं, और आते भी इसीलिए बनती हैं कि जीवन को सजगता से नहीं जिया गया है, और हर बात पीछे एक अधूरापन छोड़ आई है। हर बात के पीछे कहीं ना कहीं कोई अधूरापन है, और तुम्हारा मन उसे पूरा करने की कोशिश करता है। तुम अतीत की ओर लौटते हो, तुम्हें लगता है काश ऐसा हुआ होता तो कैसा होता, या ऐसा न हुआ होता। बहुत सारी चीजें, जो हुआ वो हुआ। कभी तुम देखो कि अतीत को तुम एक फिल्म की तरह से शायद ही देखते हो। अगर तुम उसे एक फिल्म की तरह से देख सको तो तुम उससे मुक्त होने लगोगे। तुम उसे हमेशा संशोधित करने के विचार के साथ देखते हो। ये छोटा सा अंतर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अतीत को तुम बिल्कुल ऐसे नहीं देखते जैसे कि घटनाओं की कोई फिल्म चल रही हो और तुम उसे देख रहे हो। तुम्हारे अंदर पीछे पीछे विचार ये भी चलता रहता है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ, ऐसा हुआ होता, ऐसा ना हुआ होता। और तुम अब पीछे लौट कर उसे सुधार भी नहीं सकते, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये विचार चलता है। तुम ये जानते हो कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन तुम्हें इसी तरह से संचालित करता रहता है। तो इसमें थोड़ा सा विचार के ऊपर काम करने के लिए विचार का ही उपयोग करें। विचार के तल पर गहरा चिंतन करें, बैठे मनन करें, और इस बात के प्रति अपने मन में एक सकारात्मक विचार पैदा करें, एक अफर्मेटिव थॉट अपने भीतर पैदा करें कि अतीत जा चुका है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। और जितना दूसरे तुम्हारे अतीत से अलग हैं, तुम भी अपने अतीत से उतने ही अलग हो। जरा कल्पना करो, तुम्हारे इतने वर्षों की जीवन में जो जो घटनाएं घटी, हर घटना की पूरी फिल्म बना ली गई होती और फिर तुमको वो दिखाई जाती तो तुम कैसे तटस्थ होकर उसे देखते। ऐसा लगता जैसे उस फिल्म में तुम भी एक पात्र हो, ढेर सारे पात्र हैं उसमें तुम भी पात्र हो, क्योंकि अब वो व्यक्ति नहीं है जो इसे देख रहा है, जो देख रहा है वो व्यक्ति अब कहीं नहीं है। तो तुम महज एक पात्र की तरह से वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन समस्या उसमें उलझाव की ये है कि जब तुम उस पर देखने का प्रयास करते हो तो तुम उसमें शामिल हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है, चाहे वो सम्मान की घड़ियां, अपमान की घड़ियां रही हो, सुख की दुख की घड़ियां रही हो, परेशानी की शांति की घड़ियां रही हो, कैसी भी घड़ियां रही हो, तुम्हें उनका स्मरण आते ही या तो प्रसन्नता होती या बेचैनी होती, कुछ ना कुछ तुम्हें होने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ घृणा की परिस्थिति से तुम गुजरे और जब उसकी स्मृति तुम्हारे भीतर आती, तुम्हारे भीतर घृणा भी उभरती। कहीं तुम किसी अपमानजनक स्थिति से गुजर गए तो अब उसका स्मरण भी तुम्हें एक अपमान की और अजीब सी संकुचित हो जाने की भावना से भर देता है। तो इसको पहले विचार के तल पर समझ लो कि उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो, वो एक पात्र है। तुम अभी क्या कर सकते हो, तुम बस इतना जानो और इतना करो। फिर तुम अतीत पर ये काम कर लोगे तो अतीत की ही जो छाया है वो भविष्य में बदल जाती है। फिर तुम भविष्य में भी अपने को एक पात्र की तरह से देख सकते हो, और जब भविष्य में तुम अपने को एक कैरेक्टर की तरह से, एक पात्र की तरह से देख पाते हो तो तुम्हारे भीतर एक जादुई क्षमता आ जाती है, जिस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का हम ध्यान में उपयोग करते हैं। वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फिर तुम्हारे लिए साकार हो जाता है कि तुम जिस रूप में, जिस पात्र में अपने को देख लेते हो वो सजीव और साकार होने लगता है। अभी तो कल्पनाएं उठती हैं और बिखर जाती हैं, उनका
कोई सिरा हाथ नहीं लगता, लेकिन जब तुम अतीत से मुक्त हो जाते हो और वर्तमान में ठहर जाते हो, तब तुम अगर किसी स्थिति विशेष की कल्पना भी करते हो तो उसके साकार होने की संभावना कई कई गुना बढ़ जाती। अभी तो परिस्थितियां जैसे आती हैं तुम वैसे ही जीते चले जाते हो, भविष्य में क्या होगा इसे कोई जानता नहीं, और उसे जानने का प्रयास मूर्ता के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर क्षण से नई नई बातें निकल रही हैं। पुराने क्षण से जो बात निकली थी तुम अगर इसी क्षण बदल जाते हो तो वो बात वहीं पड़ी रह जाती है, कोई नई बात निकल जाती है, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक ध्यानी के लिए भविष्यवाणी संभव ही नहीं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो ध्यानी नहीं उसके लिए भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि उसके अतीत की धारा ज्ञात की जा सकती है और वहां से अगर समझ है तो देखा जा सकता है वहां से भविष्य किस प्रकार निकलेगा आगे। उस व्यक्ति की भविष्यवाणी में कोई बहुत मुश्किल नहीं, इसलिए तुम्हें लगता है कि देखो ऐसा बताया जा सकता है, तो कभी कभी बताया जा सकता है, क्योंकि तुम ऐसे जीते चले आ रहे हो तो पता होता है कि तुम ऐसा ही करोगे। बहुत बार तुम्हें अंतर्दृष्टि संपन्न होने की जरूरत भी नहीं होती, तुम अगर गहरे दृष्टा हो, तुम डीप ऑब्जर्वर हो, तो तुम केवल अनुमान के सहारे ही बता सकते हो व्यक्ति क्या करेगा आज से 5 साल बाद, और उसमें न तो तुम अतीन्द्रिय शक्तियों का उपयोग करते हो न अंतर्दृष्टि का, केवल तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है और तुम अनुमान लगा सकते हो कि अगर आज ऐसा है तो कल कैसा होगा। लेकिन जो ध्यानी है वो हर क्षण बदल रहा है, वो हर क्षण अपने ऊपर काम कर रहा है। अगर तुम्हें किसी ने कल देखा है तो वो तुम्हारा आज नहीं जानता, वो कल के बारे में बात करता रह सकता है लेकिन आज तुम्हारे जीवन की कोई और दिशा कोई और धारा फूट चुकी होती। एक ध्यानी के लिए इसीलिए कोई भविष्य तय नहीं होता है, वो विकसित होता जाता है और उसके विकसित होने के साथ ही उसका भविष्य भी विकसित होता जाता है। लेकिन पहला काम अतीत से मुक्ति, अतीत के प्रति अपने तादात्म्य को तोड़ने से और विचारों के प्रति एक तटस्थ जागरूकता का अभ्यास करने से। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ना, तो वैसे ही विचार से ही पहले विचार को काटेंगे, फिर निर्विचार की ओर सहजता से बढ़ पाएंगे। तो जो बातें मैंने कही उनको विचार के तल पर अपने अंदर उतारें और उनसे सहमत हो जाएं कि ऐसा ही है, रोज उठें जब भी ख्याल आए तब जाने कि हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, अतीत में मैं कहाँ हूं, मैं अभी और यही हूं, अतीत में जो था वो व्यक्ति तो बदल गया तो उससे मेरा तादात्म्य नहीं है। तो तुम किसी पात्र की फिल्म देख रहे हो और कई बार तुम फिल्म के पात्रों से भी तादात्म्य बना लेते हो, तो आंसू भी बहाते हो, खुश भी होते हो, कुछ लोग सीरियल देख देख के रोते हैं। तो तादात्म्य तो तुम कहीं भी बना सकते हो, तो अगर तुम्हें कभी कोई भाव उठे नहीं तो बस इतना ही जानो जैसे फिल्म के करेक्टर से तादात्म्य हो जाने से तुम थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, तो बस ये इमोशनल होना वैसा ही है, उससे ज्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अब कहीं नहीं है, तुम अभी और यही हो। फिर जब ये चीज तुम्हें पकड़ में आने लगे और इसमें भाव गहरा होने लगे तो भविष्य के साथ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग करो। बेकार में कल्पनाएं दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी किसी सार्थक कल्पना को जन्म दो, और सार्थक भविष्य की कल्पनाएं वही होंगी जो तुम्हारे आत्मस्मरण की दिशा में तुम्हें सहयोग दे सके और तुम्हारे होने से दूसरों को उस दिशा में सहयोग मिल सके। जब ये भावना तुम्हारे भीतर आती है तो तुम्हारे भविष्य के नए रंग रूप सामने आते हैं। और फिर कई बार छोटे मोटे विचार अगर तुम्हारे सामने उभर आते हैं तो वो वैसे ही घट जाते हैं, ऐसी तुम्हारे आंतरिक जगत की जो व्यवस्था है वो सब कुछ संभाल लेती है, जीवन सहज होने लगता है।
तो इंटेंस अवेयरनेस के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट में, कल क्या होगा कल देखना, इस तरह से उसको जिए। और जाने कि तुम छह में ही हो, उससे आगे नहीं हो। फिर सारी कोशिशें विचार के जो प्रभाव है तुम्हारे ऊपर उनसे बाहर करेंगे, और फिर तुम विचार का उपयोग भी कर पाओगे। अभी विचार का उपयोग नहीं हो पाता है। जब कोई सृजनात्मक व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा चिंतक हो, बहुत बड़ा लेखक हो, कवि हो, तो अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान की ओर मुड़ता है तो वो ये जान जाता है कि कोई भी विचार उसका अपना नहीं, इसलिए विचार पर कोई दावेदारी नहीं। एक संबुद्ध मित्र तुमसे बोलता है, तुम्हें उसके विचार बहुत नवीन लगते हैं, तुम्हें बहुत प्रभावित करने वाले लगते हैं, बहुत मौलिक लगते हैं, लेकिन संबुद्ध मित्र जानता है कि कोई भी विचार उसका नहीं है। विचार प्रवाहित हो रहे हैं, क्षण में जो सबसे उपयुक्त विचार होता है वो उसके माध्यम से प्रकट हो जाता है। अभी जब तक चेतना इतनी पारदर्शी नहीं होती, तब तक वो सबसे उपयुक्त विचार तुम्हारे भीतर से आता नहीं। कभी कभी तुम सरल होते हो, रिलैक्स होते हो, तो अचानक तुम्हारे भीतर कोई विचार तैर आता है जो तुम्हारे उस क्षण के लिए नितांत उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है, मार्गदर्शक होता है। तो जब ध्यानी अपने इस प्रयोग को आगे बढ़ाएगा तो विचारों का उपयोग करेगा, अन्यथा तो केवल विचार ही उपयोग कर रहे होते हैं। व्यक्ति के मस्तिष्क में पता नहीं कौन कौन सी बातें चल रही हैं, बड़बड़ाहट चल रही है, कुछ दिवास्वप्न चल रहे हैं, और वो उनसे ट्रैक हो रहा है। कई बार तुम बोलते हो और बाद में जाके सोचते हो, मैं ये नहीं बोलना चाहता था और मैं ये बोला, क्योंकि विचार एक दबाव डालते हैं और तुम वो कह जाते हो। और जब तुम विचारों से ऊपर उठोगे, उनसे तटस्थ होकर, तब तुम्हारे भीतर से वही विचार आएगा जिसे आना चाहिए, और उसका प्रभाव भी गहरा होगा, और वो प्रभाव हमेशा शांति लाने वाला होगा। Thank you.